हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा एंड वेलकम टू द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ माय किचन। और आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वेजिटेबल कटलेट्स की रेसिपी। तो पहले हम आगे बढ़े, एक स्मॉल एक्सपीरियंस टू शेयर। हम सभी लोग ट्रेन में ट्रैवल करते होंगे। तो जब मैं छोटी थी तो ट्रेन में ट्रैवल करना, और जब सुबह उठते थे ट्रेन में तो चाय चाय चाय, एंड देन वो पैंट्री वाला जो है वेजिटेबल कटलेट्स ब्रेड में लगा के खाओ, क्या ब्रेकफास्ट होता था। आई यूज टू लव दैट। तो मैं जब भी मेरा मन होता था तो मैं ऐसा लाइक आई वॉन्ट टू रिलिव दोज मोमेंट्स। तो होता था कि चलो यार आज जो है रेलवे वेजिटेबल कटलेट्स बनाए जाएं। तो बहुत ही टेस्टी होते हैं, और आज जिन लोगों ने खाए होंगे आई एम श्योर उनके भी बहुत फेवरेट होते होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल कटलेट्स रेलवे स्टाइल, और बहुत ही स्वाद होते हैं ये और बहुत ही फटाक से बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि वेजिटेबल कटलेट्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, वेजिटेबल कटलेट्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे तकरीबन 5 मीडियम साइज के आलू लिए हुए हैं। उनको उबाल लिया था, छील लिया था और हमने उनको मैश कर लिया है यहाँ पे। उसके अलावा हमने यहाँ पे 3 ब्रेड्स ली हुई हैं। नॉर्मल वाइट ब्रेड है, हमने वो यूज़ की हुई है। अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ के साथ हमने यहाँ पे सूजी ली हुई है, और ये हमने सिर्फ कोटिंग के लिए यूज़ करनी है। और हमने एक मीडियम साइज का प्याज लिया हुआ था और उसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। धनिया हमें चाहिए बीच में डालने के लिए। साथ ही साथ हमने, मेरे पास एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च थी और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एक गाजर ली थी मैंने तकरीबन इतनी बड़ी छोटी सी, और उसको मैंने जो है छील के छोटे छोटे इसके क्यूब्स काट लिए हैं। और तकरीबन यहाँ पे हाफ कप मटर, फ्रोजन मटर ली हुई है, या 30 ग्राम यहाँ पे मैंने मटर ली हुई है। और फ्रेंड्स, जो हमें मसाले चाहिए, हमने यहाँ पे ले रखा है जीरा, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, और तकरीबन आधा इंच अदरक का टुकड़ा हमने लिया हुआ था, उसको हमने जो है घिस लिया है, ग्रेट कर लिया है। और 2 लहसुन की कलियाँ ली हैं, उनको हमने बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो प्लीज़ आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। हमने लिया हुआ है चाट मसाला और एक हरी मिर्च, उसको हमने बारीक चॉप कर ली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है और इसमें हम जो है अपने ये मैश आलू है ये हम डाल देते हैं इसके अंदर। तो ये जो आलू है ये हमने इसमें डाल दिए, और ये जो ब्रेड है इसको हम छोटे छोटे पीसेस करके जो है इसके अंदर डाल देंगे। बहुत से लोग इसके किनारे जो है निकाल देते हैं, बट भाई मुझे अपनी कुकिंग में चीज़ें थोड़ी वेस्ट करना कम पसंद है। तो अगर आपको नहीं पसंद है आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वेजिटेबल कटलेट्स में। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो है ब्रेड डाल दी है, और उसके साथ साथ जो हमने वेजिटेबल्स यूज़ की हैं वो हम इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे प्याज, गाजर डाल दी है। मैंने यहाँ पे कुछ स्वीट कॉर्न्स लिए हुए हैं, ये मैं डालना पहले आपको बताना भूल गई थी। तो ये हम स्वीट कॉर्न्स थोड़े से डाल देते हैं। भाई जितनी सब्जियाँ इसमें डालें उतना बढ़िया टेस्ट आता है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे शिमला मिर्च भी डाल दी है, और साथ के साथ हम अब डाल देते हैं इसके अंदर मटर। और मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर यूज़ की है, और साथ के साथ हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया। और अब हम डालते हैं इसके अंदर 1 टीस्पून ऑफ जीरा। और ये जो हमने गार्लिक यहाँ पे यूज़ किया हुआ था हम गार्लिक भी डालेंगे। अगर आपको गार्लिक नहीं पसंद है तो आप ना डालें। साथ के साथ हमने यहाँ पे डाला है ये अदरक, हरी मिर्ची, और यहाँ पे हमने ले रखा है तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑफ चाट मसाला। और हम नमक ध्यान से डालेंगे क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है, तो थोड़ा सा हम नमक कम करके ही डालेंगे। तो ये हमने इसमें डाल दिया नमक स्वाद अनुसार, और साथ के साथ हम इसमें डाल देते हैं तकरीबन 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। और इसके अंदर जो गरम मसाला है थोड़ा जो है नॉर्मल से ज़्यादा डलता है, क्योंकि उसी से ही जो है काफ़ी बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसमें तकरीबन हम डाल देते हैं हाफ टीस्पून ऑफ गरम मसाला, और इसको जो है हम आपस में अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ये इतना सारा मिक्सचर। जी भाई, हमारे घर में ये सबको बहुत पसंद है, स्पेशली मेरे को और मेरे डॉटर को। तो ये हम जो है काफ़ी सारा बना के रख लेते हैं। तो सुबह सुबह अगर ब्रेकफास्ट करना है तो बस इसको हमने करना होता है डीप फ्राई। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो मिक्सचर है ये बिल्कुल तैयार है। तो अगर हम इसको हाथ में उठाएं और ये देखिए इसका बॉल जैसा बनने लग जाए आराम से, ये देखिए अच्छे से बाइंड हो जाए, इसका मतलब ये है कि जो हमारा बाइंडिंग है इसकी काफ़ी अच्छी हो गई है ब्रेड के साथ। अगर ये खिल रहा है, मैंने 3 ब्रेड ही यूज़ की है, आप थोड़ी और ब्रेड डाल सकते हैं सो दैट कि इसकी बाइंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाए। तो इसको अब हम जितनी बड़ी हमने पैटी या कटलेट हमने बनाना है तो उतना बड़ा हम लेके इसको हम शेप दे देंगे। तो मैं बिल्कुल वही शेप दूंगी जो हमें रेलवे में मिलते थे कटलेट्स। ये देखिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको। तो ये हम थोड़ी बड़ी बना रहे हैं सो दैट कि जब इसको अगर हम ब्रेड में रख के बीच में खाएं तो ये फिलिंग लगे, काफ़ी बड़ी लगे। तो ये देखिए, ये हमने जो है इसको आप चाहें गोल, स्क्वायर, हार्ट शेप, कुकी कटर से जो शेप देना चाहें आप वो दे सकते हैं। तो ये हमारा तैयार हो गया। यहाँ पे हमने सूजी ली हुई थी और ये इसको हम सूजी पे हल्का सा इसको लपेट लेते हैं। इसको ये हमने लपेट लिया और इसको हमने यहाँ पे रख दिया और इसी तरह से बाकी सारे मिक्सचर के हम अपने मनपसंद शेप्स बनाते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने कटलेट्स की शेप में बना लिया इसको, लेकिन अगर आपको पार्टी फूड या पार्टी में जो फिंगर फूड होता है या एज अ ऑन ट्रेज अगर रखना हो तो आपको क्या करना है, इनके छोटे छोटे शेप्स बना लेने हैं। ये देखिए कितने बढ़िया है ये। तो ये छोटे छोटे हम टाइनी टाइनी ये इसके रोल्स बना लेंगे और ये मैंने पहले से भी कुछ बना के रखे हुए थे। तो ये देखिए इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे और इसको एज अ पार्टी स्नैक आप इसको सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है और जो गैस की फ्लेम है वो हमने यहाँ पे मीडियम रखी हुई है। तो तेल गर्म हो चुका है और द बेस्ट वे मुझे लगता है इसको तेल में डालने से, क्योंकि ये बड़े फ्रेजाइल से होते हैं। तो ये मैंने इस पर डाल दिया छन्नी पे और इसको धीरे से इसको स्लाइड कर दिया ऑयल के अंदर। उसी तरह से हम दूसरा टिक्की लेंगे, कटलेट्स लेंगे और इसको इसमें डाल दिया हमने। तो मेरी कढ़ाई में एक बार में ये 2 ही आ रहे हैं और गैस की फ्लेम हमने इसको मीडियम रखी है और इसको हम जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हमारे वेजिटेबल कटलेट्स, इसको हम तब तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब हम इनको कटलेट्स को डाल लें तो इनको हम तुरंत नहीं हिलाएंगे। तो हम हल्का सा इसको करछी को लगा के देखेंगे कि अच्छा ये ब्राउन होने लग गए हैं, इनको हम तभी पलटेंगे। तो हम इसको ध्यान से जो ये लिया हमने, इसको पलट लिया। तो इसी तरह से हम अपने बाकी सारे कटलेट्स तल लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको हम निकाल के चेक कर लेते हैं, ये हमारे गोल्डन ब्राउन बिल्कुल हो चुके हैं। तो सूजी जो है इसके अंदर काफ़ी अच्छे से पक चुकी है, उसके नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से पक गए हैं ये। तो ऐसे स्लाइड करके जो एक्सेस ऑयल है वो हम निकाल लेंगे और इसको हम एक पेपर टॉवल पे रख लेंगे अपने कटलेट्स को। और ये वाला भी कटलेट निकाल लेते हैं हम। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। और साथ के साथ ये जो हमने ये फिंगर फूड्स के लिए यहाँ पे जो रखा था हमने ये, तो इस पर हमने सूजी नहीं लगाई है, ये हम खाली ऐसे ही फ्राई करेंगे इनको। और ये काफ़ी जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने जो ये कटलेट्स हैं जो हमने फिंगर फूड के लिए बनाए हैं, तो ये देखिए क्या बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो ये हम निकाल लेते हैं और इनको हम कर लेते हैं सर्व। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कटलेट्स जो हैं बिल्कुल तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक मैंने सूजी वाले निकाले थे बैच और दूसरा बैच है वो मैंने बिना सूजी के निकाला, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिना सूजी वाले ज़्यादा पसंद है, मुझे सूजी वाले ज़्यादा पसंद है। तो ये हमने बना लिए हैं। तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर आप तेल में डालते हैं कटलेट्स को तो अगर वो फटने लग जाते हैं, फैल रहे हैं, तो इसका मतलब आप थोड़ी सी उसमें ब्रेड और डाल दें मिक्सचर में और उसको दोबारा से तलना शुरू कर दें। एक बार में काफ़ी ज़्यादा कटलेट्स ना डालें, क्योंकि टेम्परेचर जो है उसका कम हो जाएगा ऑयल का और उसकी वजह से भी आपके जो कटलेट्स हैं वो फट सकते हैं। तो भाई बनाइए, खाइए। और उससे पहले हम इसको करते हैं टेस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ट्रेन में जैसे वेजिटेबल कटलेट्स रेलवे वाले, तो बिल्कुल हम भाई फीलिंग भी वैसे ही लेंगे। तो ये हमने कटलेट रखा है यहाँ पे और मेरे पास थोड़ा सा टमाटो केचप है, याद है कि वो टमाटो केचप भी देते थे, तो हमने यहाँ पे डाला थोड़ा सा ये टमाटो केचप इस पर और ब्रेड को किया फोल्ड हमने। लाजवाब जी, मजा आ गया। बस एक ट्रेन की कमी है, ट्रेन में बैठ जाते हैं और जो है ये एंजॉय करते हैं। तो इसको जैसे कि मैंने बोला कि आप इसको छोटे छोटे फिंगर फूड्स में भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ऐसे भी खाएं कटलेट्स तो भी वो बहुत अच्छे लगते हैं, सॉस के साथ, चटनी के साथ, बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ अपने जो एक्सपीरियंस हैं या अपने जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट्स में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं। उसके अलावा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, वो इसीलिए जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और इसी तरह से आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं करेंगे। तो अभी के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।